सेंटर मुखर्जी नगर में हो, चाहे करोल बाग में हो, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने भी पहुंच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं। जी ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट से नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीजें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था या ये नहीं था या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियां सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो यही स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहां तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग है, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाए जा सकते हैं, उसमें ऑफिस ही चल रहा था। पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था, उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा शोर हुआ। दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाजा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम जायज बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें एक नहीं, दो नहीं, 7 एग्जिट हैं, 7ों एग्जिट आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें क्लासरूम्स थे, हर एक क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप कहां कहां से बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग वहां पर लगातार होती है, फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल्स वहां पर लगातार स्टाफ के साथ होती हैं। मैं अपने होशोहवास में ये बात कह रहा हूं कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है, क्योंकि जहां तक फायर की बात है, और वो बिल्डिंग बनी है नेशनल बिल्डिंग कोड के जो लेटेस्ट प्रतिमान है उनके हिसाब से, क्योंकि बिल्डिंग हाल ही की बनी हुई, 10-12 साल पहले की बिल्डिंग है। जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं है, हम उसके टेनेंट हैं, जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये प्रोसेस ज्यादा हुआ शुरू, हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है, उन्होंने कन्वेंस डीड की कुछ चीजें अंडरलाइन करके दी, जो उन्होंने हाईकोर्ट में भी दिखाई, हाईकोर्ट में इस पर 1-1.5 साल से केस भी चल रहा है। डीडी और एमसीडी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कई चिट्ठियां एमसीडी ने लिखी हैं, कई डीडी ने जवाब दिए हैं, अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी 28 अगस्त को, फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले 1 साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को, न केवल क्लास में, मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे उनको छोड़ दें, क्लास में जा जाके सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। यहां तक कि उनसे, आज से करीब 1 साल पहले की बात होगी, उनसे हमने ऑनलाइन
एक फॉर्म भरवाया कि उस केस में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, करोलबाग जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बाद में तय करेंगे। वो डेटा हमारे पास पूरा है कि उन बच्चों ने एक साल पहले क्या क्या वोट भरा, और सहमति ये थी कि अभी सरकार में वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उस पर कोई निश्चित निष्कर्ष आएगा उसके बाद हम उस तरह से काम करेंगे। हमें ऐसा लगता था कि जो चिंता ज्यादा फायर की है, और ऐसा पिछले साल हुआ भी था, दिल्ली में एक घटना हुई थी, कुछ साल पहले सूरत में हुई थी, अभी गुजरात में दो घटनाएं और घटी हैं कि गेमिंग जोन में अचानक आग लगी। दिल्ली में जिस तरह की गर्मी इस साल थी, उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी इंसिडेंट में कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी थी, रात दिन ऐसी चल रहे थे, उतना लोड उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मुखर्जी नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में जहां जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहीं जाकर सर्वे करके देखिए, अधिकांश इंस्टीट्यूट्स में केवल एक एंट्री एक एग्जिट है, एक ही रास्ता है। सबसे बड़ी चिंता उसी रास्ते पर मीटर लगे हुए बिजली के, जो पिछले साल दिल्ली की एक संस्था में आग लगी जिसमें कुछ बच्चों को थर्ड फ्लोर से जंप लगाना पड़ा, चोटें लगी लेकिन गनीमत है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या हुआ था उसमें? एक ही रास्ता है, उसमें मीटर है, उसमें आग लग गई, धुआं ऊपर गया, और शुरू में बच्चे ऊपर छत पे नहीं जा पा रहे थे, बाद में फिर दरवाजा खुला वो चले गए वहां पर, लेकिन तब तक कुछ बच्चे जंप लगा चुके थे। चाहे सूरत हो चाहे कुछ भी हो, मूल खतरा आग से होता है, और दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है, और जब जब सर्दियां पड़ेंगी, सर्दी में फिर हीटर चलेंगे बहुत ज्यादा, गर्मी में विशेष रूप से एक महीना इतनी दिक्कत रहती है। और इस साल हमने पहली बार ऐसा किया, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, इस साल हमने पहली बार ऐसा किया कि गर्मियों में बच्चों को ये कह के लगभग 15 दिन या एक महीने की छुट्टियां दी, ऑनलाइन क्लास करवाई कि गर्मी ज्यादा है, कहीं इस समय ऐसा ना हो कि एसी चलने से कोई आग लग जाए, हादसा हो जाए। ये पहली बार हुआ, और 3-4 इंस्टीट्यूट जो मेरे परिचय में थे उस समय, मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि गर्मियां ज्यादा हैं और कहीं कोई दिक्कत ना हो तो आप भी हो सके तो छुट्टियां करें या ऑनलाइन क्लास करें उस दिनों के लिए। हमारे जहन में ये बात कभी आई नहीं थी कि पानी भर सकता है। आज से 3 साल पहले केवल एक घटना हुई जब दिल्ली में यमुना का पानी बहुत बढ़ा। इस मॉल के पास में एक नाला है, करीब 50 एरियल डिस्टेंस, 50 मीटर के आसपास है, 30 मीटर के आसपास होगा वहां से, उसमें पानी का लेवल भरने लगा। जैसे उसमें पानी का लेवल भरने लगा, हमने अपने इंस्टीट्यूट में 7 दिन की छुट्टी कर दी कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा हम क्लास नहीं लेंगे। 7 दिन छुट्टी हुई, ऑनलाइन क्लास चली, बच्चे वहां चले गए। 3 दिन पहले जो घटना घटी उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। और मैं एमसीडी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने सीलिंग कर दी है, और मैं चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में जहां भी कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहां अनसेफ तरीके से क्लासेस चलती हो, हमारी हो किसी की भी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लेकिन एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बन जाए जो पॉलिसी मतलब क्लियर कट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे भी फायर सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी दिक्कत है, आप फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जब मांगते हैं, पहली बात तो सीधे इश्यू नहीं करते, वो कहते हैं कि आप एमसीडी के थ्रू आओ, डीडीए के थ्रू आओ। आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखा गया, और आज फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें किसी व्यवस्था बनाएंगे कि सीधे हमसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता भी है तो उस पर क्लियर क्या लिखा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल सर्टिफिकेट है। एमसीडी कहती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग का सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दिल्ली में एक भी प्राइवेट संस्था के पास नहीं, केवल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को मिलता है। और यह भी क्यों हुआ? क्योंकि 2020 से पहले डीडीए की भाषा में हम एजुकेशनल बिल्डिंग वाली एक्टिविटी में नहीं थे, हम कमर्शियल एक्टिविटी में थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जीएसटी के हिसाब से आज भी कमर्शियल एक्टिविटी है, और इसलिए जो जीएसटी में हमारा टैक्स जमा होता है वो कमर्शियल कोचिंग नाम से होता है, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी हैं। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कमर्शियल बिल्डिंग में हम काम कर सकते हैं, हम वहां काम करते थे। जिस मॉल की बात आप कर रहे हैं, उस मॉल के मालिक ने मुझे कई बार ये विश्वास दिलाया है कि कमर्शियल मॉल के तौर पर इसके पास एनओसी है। कैसे है? कन्वेयंस डीड में लिखा हुआ है, डीडीए इज गिविंग द कन्वेयंस डीड ऑन द बेसिस ऑफ द फायर क्लियरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। लेकिन
बेसमेंट के पास पूरी क्लैरिटी ऐसी नहीं थी। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने कि 2018 में जब एफएआर के रूल्स चेंज हुए, फ्लोर एरिया रेशो बोलते हैं, जब रूल्स चेंज हुए तो एडिशनल एफएआर उनको मिला है और एडिशनल एफएआर के लिए उन्होंने डीडीए में अप्लाई किया हुआ है कमर्शियल एफएआर बनाने के लिए। अगर वो कमर्शियल एफएआर है तो कमर्शियल एक्टिविटी वहां हो सकती है। वी हैव बीन अंडर दिस इम्प्रेशन, और हमेशा ध्यान रखना जब बेसमेंट को लेकर हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है, पालिका बाजार बेसमेंट में ही है, दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहां पर, क्योंकि वहां की जो बेसमेंट है ठीक तरीके से बनाई गई है। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने डीडीए में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल एफएआर में इसका एनओसी मिले। अगर कमर्शियल एनओसी मिल जाता, एनओसी क्यों नहीं मिल रहा है? डीडीए का मानना है कि ये काम एमसीडी का है, एमसीडी का मानना है कि काम डीडीए का है। एमसीडी ने कई पत्र डीडीए को लिखे, डीडीए ने कई पत्रों में जवाब एमसीडी को दिया, और यहां तक कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। पिछली मीटिंग में हाईकोर्ट में डीडीए ने पहली बार ये कहा कि हम एमसीडी को राइट्स दे रहे हैं, और अब एमसीडी जो कल हियरिंग होने वाली शायद उसके बाद हमें वैसे भी इशू करती, या तो परमिशन मिल जाती या वो इशू करती कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो हम छोड़ते हैं उसको। मतलब बेसमेंट होने मात्र से चीजें जैसी फैल जाती हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एमसीडी को हमने सबमिट किया हुआ है, डीडीए को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है एनओसी के लिए कुछ महीने पहले, अब तक वहां से रिजेक्शन भी नहीं आया उसका, और उसमें 7 फायर एग्जिट्स बड़े बड़े, वो सब उसमें नक्शे में है, और नक्शे में नहीं है वो रियलिटी में भी है। सर आपने अभी एक बात बोली, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिन में जो घटना घटी उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई, और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूं कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे, मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, और ऊपर भी चले तो फायर सेफ्टी के साथ चले। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, यहां पर आपको हो सकता लगे कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी।